हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 10th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, और थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू चार्जेस ईच इक्वल टू चार्ज क्यू आर केप्ट एट x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू ए। तो भैया ये आप बना लो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू ए, और ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू ए वाला लाइन, तो ये हो गया x इक्वल्स टू ए कॉमा जीरो, ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस ए कॉमा जीरो। और x एक्सिस पे दो चार्ज रखे हुए हैं q, दोनों का मैग्नीट्यूड, और मतलब जो सेम चार्ज है q q रखे हुए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई टू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू बाई टू जिसको रखा गया है ओरिजिन में, और हो क्या रहा है, इफ द चार्ज क्यू नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये जो चार्ज क्यू नॉट है जिसका वैल्यू माइनस क्यू बाई टू है, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया वाई एक्सिस के अलोंग, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पूछ रहा है। अब यहां पर इसको उठा करके लेके गया किसी वाई डिस्टेंस पर, ये मान लो कोई वाई डिस्टेंस है, और कह रहा है कि जो वाई का वैल्यू है ये ए से बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, जो ए है और ये वाई है, तो वाई का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है ए से, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह करने में काम आएगा। पहले तो यहाँ पर फोर्स निकालते हैं हम लोग। देखो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास में क्यू नॉट, यहाँ पे हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया क्यू, ये हो गया कुछ इस तरीके का, इसको मान लो आप थीटा, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा सिमेट्री से थीटा। अब यहाँ पर आप लोग निकाल लो, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ फोर्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा एफ फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो x वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा दोनों कैंसिल जीरो, और y वाला कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स है यहाँ पर वो निकल के आ जाएगा 2f cos थीटा। अब यहाँ पर निकालना क्या, यहाँ पर हम लोग को पहले f निकालो, और यहाँ पर हम लोग को निकालना है cos थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर 2 को एज इट इज लिख देते हैं, f का वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा। f क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा k q1 q2, तो ये ले लेते हैं हम लोग q नॉट हो जाएगा, मतलब q बाई 2। ठीक है, डायरेक्शन इधर ही होगा फोर्स का, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो के क्यू वन, मतलब क्यू वन की जगह ले लिए क्यू नॉट का वैल्यू क्यू बाई टू, क्यू टू की जगह ले लेंगे हम लोग क्यू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे में आ जाएगा आर स्क्वायर, आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस का वैल्यू कितना है वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पर, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, टू से टू हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वगैरह वगैरह। यहाँ पर फाइनली आपको मिल जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1, और ये हो गया 1/2, मिला के हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, y कह रहा है बहुत बहुत छोटा है a से, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप टेंड करा सकते हो, टेंड करा सकते हो ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर के कंपेटिवली आप y को ले लो जीरो, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा है, यहाँ पर ऊपर से स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ पर निकल के आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर तो है ही है, और बाहर में 3/2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में ए क्यूब। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, तो भैया पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जो वेरिएबल यहाँ पर है वो क्या है, वाई है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, वाई के, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ये एक लॉन्ग रॉड है ए बी जिस पे चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ लाइंग एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए इज, हम लोग को इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस रॉड के वजह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारे पार्ट्स है जिसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट लेना है, उसके लिए पोटेंशियल निकालना है, और फिर पूरे रॉड के लिए हम लोग को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तब करेक्ट आंसर निकल के आएगा। रीजन ये है कि अलग अलग पॉइंट के लिए, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले, यहाँ पर एक पॉइंट ले, यहाँ पर एक पॉइंट ले, अलग अलग पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग एक बार में नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक डीएक्स एलिमेंट, इसको मान लो आप एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया, ये हो गया dx एलिमेंट, और इसका चार्ज मान लेते हैं हम लोग dq, और dq हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, dq इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू ये छोटा वाला लेंथ dx। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से dq क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल चार्ज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लिए और फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को इस लेंथ का चार्ज निकल के आ गया।
ठीक है। अब इस डी क्यू को हम लोग यूज करेंगे यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए ओ पॉइंट पर, और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि फ्रॉम डिस्टेंस इक्वल्स टू एल टू, मतलब ये बेसिकली हम लोग एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट ले रहे हैं, समझो इस चीज को, एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट हम लोग लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको एक्स इक्वल्स टू एल से लेकर एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व तक, क्योंकि ये एल प्लस एल ट्वेल्व हो जाएगा। यहां पर इस डी एक्स एलिमेंट के लिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल, निकालते हैं डी वी इक्वल्स टू, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता है ना, तो यहां पर डी वी निकल के कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स निकल के आ जाएगा यहाँ पर इस डिफरेंशियल चार्ज के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, के का वैल्यू जो भी होता है 1/4 pi epsilon naught वगैरह वगैरह होता है, यहाँ पर डी क्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्यू बाय एल डी एक्स से, और यहाँ पर अपने पास में एक्स तो नीचे है ही है, तो ये हो जाएगा 1/x, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कॉन्स्टेंट, हम लोग बाहर रख देंगे उसको, और बाकी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पर। इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, एक्स का वैल्यू हम लोग को लेना है एल से लेकर ट्वेल्व तक, तो इंटीग्रेट करेंगे एल से लेकर ट्वेल्व तक, और यहाँ पर फाइनली हम लोग को मिल जाएगा वी का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय एल वगैरह वगैरह कॉन्स्टेंट बाहर रह गया। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉन एक्स, और लॉन एक्स में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एक्स का वैल्यू एल से लेकर ट्वेल्व तक, तो ये निकल के आ जाएगा लॉन ऑफ ट्वेल्व माइनस लॉन ऑफ एल, और प्रॉपर्टी होता है लॉग ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी, तो यहाँ पर फाइनली जब सॉल्व करके आएगा तो ये निकल के आ जाएगा लॉन ऑफ ट्वेल्व अपॉन एल, तो हो जाएगा लॉन ऑफ, बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं कि लॉन ऑफ ट्वेल्व माइनस लॉन ऑफ एल होगा, अब ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा लॉन ऑफ ट्वेल्व बाय एल, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा लॉन टू, और यहाँ पर जो आंसर आप चेक करके देख लो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉन टू, ये वाला आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा और आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए।